गाइस मेरा मेकअप जो है ना वो हीरा मलका के हाथ चढ़ गया है। मैं यहाँ इनके सीसीटीवी रूम टाइप एक जगह में आके बैठी हूँ। तो भाई हम लोग जा रहे हैं डकी भाई की तरफ, है ना, रूप की तरफ। उनको एग्जैक्ट डेट क्या रखी आप लोगों ने? एग्जैक्ट डेट है और वो बहुत जल्द आपको इवेंट्स मिलेंगे। लेकिन आज जो है वो मैं कल रात बहुत लेट सोई थी, जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा इसकी आंखें स्वेल हुई हैं, तो बिल्कुल हुई हैं। और जो है वो अभी मुझको निकलना है एक शो के लिए जिसकी रिकॉर्डिंग है। मेरा कॉल टाइम था 4 बजे का, पहुंचना मुझे वहां पे 2:30 बजे था, लेकिन मैं फिर एज यूजुअल लेट होगी। गाड़ी मैंने लेट मंगवाई बिकॉज मैंने उनको बोला मैं अपना मेकअप खुद करूंगी। तो अभी मैंने अपने स्किन पे मॉइस्चराइजर एंड लेंसेज पहन लिए हैं कि मैं अभी मेकअप, फिर मैंने कहा कि मैं व्लॉग स्टार्ट करके आप लोगों के साथ इसको ओपन करती हूं। तो मैंने अपने कपड़े शपड़े क्या पहने ये मैं आपको दिखा देती हूं। ये देखें जी, मैंने अपने लिए ड्रेस निकाल लिए, शूज निकाल लिए, ये मेरा ड्रेस है, ये साथ में मैंने ज्वेलरी एक्सेसरीज निकाल ली। अब मैं डायरेक्ट आऊंगी, तैयार हो गई, लेट्स गो। गाइस मेरा मेकअप जो है ना वो हीरा मलका के हाथ चढ़ गया। अब ये बेस फेस मैंने खुद बनाई थी, आई मेकअप मेरा हीरा करी, और मुझे अभी तक शीशा देखने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैंने व्लॉग शुरू कर दिया ताकि मैं इसके बाद स्पंज नहीं मैंने किया, मैंने इस ब्रश से किया। अब जो है वो देखते हैं कि मेरा मेकअप कैसा करती है। मेरी गाड़ी नीचे आ चुकी है, मैं अभी बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। हीरा ने सारा मेरी आंखें काली कर दमो करो काली यार, आप ही पागल हो। और मस्कारा उसके बगैर क्यों लगा रही हो? आईलैश कर तो करो। कर लो ही है सारी मेरी, कल की थी, कर लो, नहीं लगाया था। चलो मैं तैयार होके नीचे आई हूँ, तो मेरा ही गाना लगा हुआ है। सानू लग गई प्यारी, अब मैं हत्या लग चुकी हूँ हीरा प्रो मैक्स के, और ये मेरे बाल कर रही है। सारा मेरा मेकअप का ठेका हीरा ने उठा रखा, अगर ये ना होती तो मैं क्या करती दुबई में? आज से पहले तुम क्या करती रही? यकीन करो हीरा, मैंने कल डाले थे अपने दुबई में, और इतने बुरे थे कि मुझे तुम बड़ा याद है। मैंने कहा मेरी बहन जैनब भी मेरे से अच्छे डाल देती है। जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने हाथों में अपने दोस्त पहने में, हाँ दोस्त ये देखे दोस्त पहने में। गाड़ी कब से बाहर खड़ी हुई है, और मुझे बहुत नाश्ते की जरूरत है, लेकिन मैं नाश्ता किए बगैर नहीं निकल सकती, इसलिए मेरा नाश्ता बन रहा है। मम्मा कह रही है उदो तिकर तो बाहर नहीं निकलेंगे, जब तिकर तो नाश्ता नहीं किया, तो बस अब वो तब तक मैं बाल करवाने जब तक नाश्ता रेडी होता है, फिर नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। गाइस मैंने ना जल्दी जल्दी में बस कल करवाया, कुछ हल्का फुल्का खाया, और जो मेरी कल डेट आई थी ना बताती हूँ स्टोरी क्या है। वो हल्का फुल्का खाया भी मैंने, हमारे ड्राइवर हमारा वेट कर रहे हैं। ये मैंने अंकल को दिया कि मेरी निकाह की डेट फिक्स हुई है, तो ये वाली जो है ना वो हम थैंक यू सो मच। मैंने आपको बड़ा वेट करवाया आज, चले हाँ जी चलते हैं निकलते हैं। और मैंने नाश्ते के साथ खाना था कुछ मीठा, तो मैं वही वाली जो फिर नहीं लेकर आए थे वही खाऊंगी। वहाँ से निकल के यहाँ डायरेक्ट पहुँची हूँ, गाड़ी में सिर्फ खीर खाई है, और इतनी नींद आना स्टार्ट हो गई है, इतनी नींद की मैं नहीं बता सकती। तो मैं यहाँ इनके सीसीटीवी रूम टाइप एक जगह में आके बैठी हूँ, दिल मेरा ठक 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 ठक, क्योंकि मैंने इंस्टा पे अपनी निकाह की डेट फिक्स की ना पिक्चर पोस्ट की है। तो गाइस मेरी चाय आ चुकी है, अब मैं चाय शाय पीऊँगी यहाँ पे, और फिर जाएंगे हम अपनी रिकॉर्डिंग पे। अभी यहाँ मैं बैठी हूँ, एक क्यूट सी बेबी आई है। क्या क्या देखती हो जरा जल्दी जल्दी बताओ। मैं आपके हर ब्लॉग देखती हूँ। हर ब्लॉग देखती हूँ, ये आज इसको पता था मैंने आना है ये ऑफिस आके। ये हमारे जो पाकिस्तान के म्यूजिशियन है उनकी बेटी है, शी वेरी क्यूट माशाल्लाह। ऐसे प्यार करते रहो, ऐसी वीडियो देखते रहो, अभी बड़े मजे के व्लॉग्स आने हैं। हम बहनों में कौन अच्छी लगती है बताओ। यार जो मेरे पास बैठता है वो मुझे इसने बोला था कि मुझे सबसे ज्यादा इकरा आप ही पसंद है। फिर तो आप बहुत अच्छी हो यार, यू आर वेरी वेरी मेरे ना सर पे गाइस माइक लग रहा है, ये बहुत बड़ा टास्क होता है, ठीक है। मैं बनने लगी हूँ गाइस डोरेमोन। क्या मेरी शक्ल वापस से वैसी लग रही है जैसी आई थी कि चेंज हो गई? वैसी है बिल्कुल, मुझे तो बदली बदली लग रही है। इस तरह होती है तो ये आप देख सकते हैं किरा जी ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। तो मैं बता दूं गाइस मैंने अपना शूट वूट स्टार्ट कर लिया था, तो यहाँ पे मुझे ना बहुत फैंस मिले। अभी मैं बाकी सबको भी लूंगी जिस जिसने आना, सही है। तो जिस जिसने आना वो एक बच्ची तो आ गई जिसने मुझे गिफ्ट दिया, मैं गिफ्ट उठा लिया, गिफ्ट चोरी हो गया मेरा। तो अब मैं अपनी आपको एक बहुत ही प्यारी फैन से मिलवाने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इन्होंने
इन्होंने बैंक से छुट्टी की है स्पेशली मुझसे। बिल्कुल बिल्कुल, और इनसे मेरी बहुत ज्यादा मोहब्बत है और मुझे सारी सिस्टर्स के मैं व्लॉग देखती हूँ। और लिटरली मैं घर आती हूँ ना सीधा बैंक से, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं व्लॉग देखूँ। मैं कहती हूँ एस्ट्रोलॉजी आया बताएं आज आया, और जिस दिन नहीं आता मैं उस दिन परेशान हो जाती हूँ कि पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, इनकी तबीयत तो नहीं खराब। मैं इनकी बहुत बिग फैन हूँ, वाकई बहुत बिग फैन। थैंक यू सो मच आपके प्यार का, स्पेशली आप लोग प्यार करते हो तो हम व्लॉग बनाते हैं। बिल्कुल, नो डाउट। थैंक यू। और मैं आपके लिए एक सॉन्ग, मेरे लिए गाएंगी, चले गाएंगे। ओके। मैं करके ऊंचियां दीवारां रखियां इस दिल के चार चुफेरे नल सांभ के रख दिया, कोई दिल च ना ला ले। आज हमारे शो पे मैं आई हैं, मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे पास तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं सोशियोलॉजी की बहुत बड़ी फैन हूँ। और ये और इस बच्ची ने मेरा बड़ा ध्यान रखा है, यहाँ पे माइक शेक चिपकाती रही है। गाइस, ऑडियंस यहाँ पे फारिग हो चुकी थी, लेकिन ये सारी चैनल की टीम है। ठीक है, पिक्चर्स वगैरह हो गई थी मेरी, अब जो है वो मैं यहाँ से होने लगी फारिग, फिर निकलते हैं, फिर बाकी का दिन दिखाते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि मैंने इतनी लंबी जो है ना वो हील पहनी, उस हील दिखने में आसान लगती है लेकिन ये पैरों का सत्यानाश करती है। ठीक है सर जी, मैं हो चुकी हूँ यहाँ से फ्री। हमारे ड्राइव अंकल आ गए हैं, खीर शीर खा ली थी जी। अब हम जो है मैं निकलने लगे वापस घर के लिए, घर जाके सुरताल देखते हैं और क्या आज का प्लान बनता है वो देखते हैं। फिलहाल मुझे इतनी शदीद वाली नींद आ रही कि मैं बता नहीं सकती, बट कोई बात नहीं, खाना खाना खाते हैं और कुछ करते हैं, लेट्स गो। मेरी हील्स ने मुझे आज बहुत तंग किया। ठीक है, इसने मुझे कहा है कि आप चैन से नहीं चल सकते, अभी मैं नींद में व्लॉग कर रही हूँ। मैं 9 बजे घर पहुंची और ये मोहतरमाएं अभी सो के उठी हैं। अब बस इनकी लड़ाई शुरू, अभी शो में बता के हूं कि इन लोगों की लड़ाइयां होती हैं आपस में बहुत। मैं आज एक वर्ड सीख के आई, रुक जरा अब दिखाता हूं मैंने। इसके पता नहीं कौन से वर्डिंग है क्या है। मैं स्कूल गई थी ना, हाँ? तो स्कूल वालों ने इंग्लिश में होता है ना अक्सर वो, जब मैं 8 में थी तो नॉवेल्स पढ़ाते थे। अब नॉवेल नहीं है, अब पढ़ाते हैं कि अमेजिंग का वर्ड काफी ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब बहुत सारे वर्ड होते हैं डिफरेंट, जैसे कंफ्यूज को कहते हैं डिसओरिएंटेड, या आई वाज सो डिसओरिएंटेड, पता है। लेकिन इतने ज्यादा ऐसे वर्ड है ना मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मतलब क्लास को नहीं पता था। बड़ा मजा आया, बताती हूँ कौन से। चलो मानो आपके यहाँ इंग्लिश का गाइस लेक्चर देने लगी है। ठीक है, जैना बनी इंग्लिश टीचर। हाँ, चलो आपसे पूछती हूँ, मतलब ओके। अच्छा मुझे ये बताओ, आपकी फैन मेरी फैन, और जैना भी स्वाइप लगाया कि मेरी फैन लग रही। मेरी फैन थी, उसने मुझे बोला कि आप ये रख लो, ये आपके लिए लाई छोटी सी फैन लाइट उसने दिया। थैंक यू सो मच। जिसने ये मुझे दिया वो कमेंट में कहेगा इकरा 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 इकरा, जिसने ये मानो को दिया वो कमेंट में कहेगा जनत। मुझे बताओ फ्लैबरगैस्टिंग का क्या मतलब है। क्या मतलब फ्लैबरगैस्टिंग? क्या फ्लैबरगैस्टिंग? क्या देखो, इट्स सो फ्लैबरगैस्टिंग, मतलब इट्स सो अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये वर्ड्स होते हैं ना जो सीआईज में लिखते। यार इतना फजूल है, जब तुम्हें पता है किसका मतलब इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग है, फैंटास्टिक है, यू कैन स्पीक इट वेल। व्हाई यू नीड दैट काइंड ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स? उन्होंने बताया कि ब्रिटिश काउंसिल होती है, तो आप जब एसेज वगैरह लिखो ना तो इंटरेस्टिंग की बजाय अगर आप ऐसे वर्ड लिखोगे वो आपको ज्यादा मार्क्स देते हैं। तो देखो, कंफ्यूज्ड को अनश्योर कहते हैं, पजल्ड कहते हैं, डिसओरिएंटेड कहते हैं, परप्लेक्स्ड कहते हैं, आई वाज बिवर्ल्डर्ड। पढ़ना आंदा कोई नहीं है मुझे, बहुत आई वाज बिवर्ल्डर्ड अंडरस्टैंडिंग द न्यू पॉलिसी, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज्ड थी न्यू पॉलिसी को समझने। चलो निकलो, तुम्हारी एक भाषा की भी समझ नहीं आई मुझे। मम्मा ऐसे ऐसे, हाय अल्लाह, जो मेरी हील थी मेरी मम्मी पहन के। मम्मी मैं कहूँ इतना स्लो स्लो क्यों चल रही है, मेरी हील तो फंसेगी भी नहीं। आपको पहन के देखें जरा, डेंजरस हील है। हाँ लेकिन बड़ी प्यारी लगी थी पहने में। हाँ खुली हो ताकि मेरी मम्मी को बुरी आ जाए। मैं लगी हूँ गाइस थोड़ी देर के लिए सुस्ताने, क्योंकि मुझे बहुत सुस्ती चढ़ रही जी। नहीं उसने दिया किसको पहले मुझे ये बताया। मैं मिल
लेके गई हूँ, मैंने पिक्चर लिया, आप लोग आए उससे पिक्चर लेने के लिए? घर में उसने मुझे बोला ये ले आपके लिए, तो किसके लिए हुआ? ऑब्वियसली मेरे लिए हुआ। पूल पर लड़ाई डाल दो तुम इधर, चल ठीक है रख लो तुम। मुझे लोग ऐसे बड़ा प्यार करते हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं मुझे कॉमेंट में दिल देंगे। निकलो तुम फूल। ये मोहतरमा भी अभी, तुम किधर गई थी? तुम कौन से शो पे गई थी? तो रियल है। क्या मस्तियाँ करके आई हो? तुम्हारे बारे में सारी सबसे ज्यादा बुराइयाँ की मैंने। किसके साथ शो पे? हाँ निकलो चर्चों वाली। लोग तुम्हारे, एक लड़की वहाँ पर मुझे मिली, वो इतनी तुम्हारी फैन थी कि मैं आपकी वीडियो के नीचे कमेंट करती हूँ कि फातिमा को कहीं वीडियो लगाए, कोई चलाकी है। उन्होंने मुझसे पूछा मेकअप बनाने किया हीराने, और मैंने बाल भी हीराने बनाए हैं। अपने सारे फैंस को लव यू बोल दो। लव यू सो मच। गा की तैयारियाँ कर ली हैं तुमने? कर लेना गा। यार ये मेरी बहनें बिल्कुल इजी ले रही हैं, सोने के लिए बैठी थी लेकिन मेरी बहनें आके मुझे उठाती हैं, मेरे सामने दर्द कर देती हैं। और आप भी इधर आके सोई पड़ी है। गाइस मैं गलती से सोने की कोशिश की, ठीक है, जहाँ पे ये हो वो हो ये हो ये हो प्रभु हो, बंदा नहीं सो सकता। बैठ के आगे इर्द गिर्द आजू बाजू करके बैठ गई, और ये एक ट्रिक लगा रही है। राबिया ने बताई ये ट्रिक, राबिया ने, मुझे नहीं आती क्या ट्रिक है, बता। ऐसे है ट्रिक के आप भी यार आजकल ना लोगों के लिप्स बहुत ड्राई हो रहे, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते नहीं। और वो पता है ह्यूमन, उसकी नेचर वो ये करेगा है। हाँ। ये आप भी ट्राई करके देखिएगा। पापा जी आपके लिप्स पर ड्राई है, तो पापा ने हल्का सा किया था लेकिन हम मान लिए। फातिमा तुम्हारे लिप्स बड़े ड्राई है, वो अभी फिर की है। कहते हैं अपने लिप्स को बार बार जुबान नहीं लगानी चाहिए, नहीं करना चाहिए, और ड्राई होते हैं स्किन तक। ये मानो कि चबलियां मेरी मान लीजिए जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। मारनी नहीं चाहिए, ये कर रहे हैं हम पर मारनी नहीं चाहिए, जुबान ठंडे है। मुझे पता है आज के दिन मैं सोचूं अपनी निकाब से मैं अच्छे कपड़े नहीं साए लेकिन पेड कैंपेन कर लो मेरे साथ ना, तो मुझे उस चीज का फायदा है। मैंने कहा ये फातिमा जो है ना वो मेरे स्टोरी लगा रही है खुशियां का मेला। तुम्हें क्या हुआ है? आप इसी जूते से आपको मैंने मारने, यानी क्या रास्ते में लटका हुआ है? तो तुम देख के चलो, सीधा करो, मुझे सीधा करो जूते को। हाँ मेरी इतनी मानो, अब फिर लगेगी तुम्हारी पाँव में दफा। तो समझ नहीं आ रही, कांग्रेचुलेशंस कहाँ रखो? कांग्रेचुलेशंस कहाँ रखो, जहाँ दिल कर रहा है वहाँ रखो। अब मैं खाने लगी हूँ भाई खाना, क्योंकि मुझे भूख लगी है। दही भल्ले, दाल चावल। सो गाइस मैं आज सब चीजें निपटा ली घर पे। मैंने अभी बुलाया अरीब को, अभी मैंने आपको अरीब का व्लॉग देख के पता चलेगा मैंने कैसे अपना ये जो मटके शटके हैं मिठाई के वो कैसे रखे हैं। आपको पता है, आप सोचोगे मिठाई अभी क्यों? तो भाई हम लोग जा रहे हैं डकी भाई की तरफ, अनूप की तरफ, उनको अपने निकाह की जो डेट हमारी फिक्स हुई है उसकी मिठाई देने के लिए और उनको इन्वाइट करने के लिए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? क्या हाल है, ठीक है? अरीब आपने मेरे लिए जगह नहीं बनाई? जगह ही जगह। खीर देखें कैसे पकड़ के। ये खीर मैंने ही खा जानी। अरीब नो, कल खाई नहीं थी। नहीं खाई आपने? वाकई नहीं टेस्ट की? कल शर्म से नहीं खाई जा रही थी, अब दिल से आ रहा है। कोई बात नहीं, अब इसको हम यहाँ पे जो है ना वो रखते हैं अपनी चीजों को, हमारे जो शगुन के थाल है ना बेचारे, बोलते हैं वहाँ पहुँच के आप उनसे मिलवाते हैं। लेट्स गो। सो गाइज हम लोग जो हैं उनके घर के बाहर पहुंच गए हैं। अभी हमने उनको मैसेज ड्रॉप किया कि हम घर के बाहर हैं, जैसे वो आते हैं आपको मिलवाते हैं। अरीब साहब ये बाकी खीर के जो दो मटके हैं वो आपने पकड़ने, ठीक है? मैंने बस ये पकड़ना और अपना हैंडबैग, यू नो मेरा हैंडबैग ज्यादा वजनी है। लड़कों का कितना अच्छा होता है कि उनको हैंडबैग भी नहीं पहनना पड़ता, उनको हील्स भी नहीं पहननी पड़ती, उनको झुमके भी नहीं पहनने पड़ते। लड़के मेकअप नहीं ना लगाते, लड़के वो नहीं ना करते, वरना लड़के भी कैरी कर लेते। देखो भाई अकेले अकेले मेरे बगैर दिए जा रहे हैं, मेरे बगैर दे रहे हैं। एक मिनट सब्र करो, मेरी गाड़ी का दरवाजा और अकेला फिर नहीं बांटी जा। सिर्फ दो लेके आए हो यार, एक आपके कर दो वाला लगता हूं। ये देखें, ये देखें, गुलाब जामुन भी है, वो भी ये है, मेरी मामा ने पैक किया स्पेशली आपके लिए। और हाँ तुम्हारी मामा को पता ही क्या, पैकेट लेके आना चाहिए था हमें। पता है ये मेरी मामा ने जो आपके लाए भी थी ना स्पेशल मिठाई, ये वो स्पेशल वाली है जो इसकी मामा को पता एग्जैक्टली व्हाट आई, उनको पता है मिठाई डाल रही है, मुझे ये कह रही है कि डकी भाई ये भी खाता है, ये भी खाएगा, ये भी खा लेगा बहुत पसंद है ये हलवे वाली। हाँ हलवे वाली मम्मा ने यही कहा लड़कियाँ खाएंगी, तो ये मम्मा ने यकीन करो ऐसा ही किया। गुलाब जामुन इज ऑल माइन, दिस इज ऑल माइन, बट इज ऑल माइन, परफेक्ट। मुबारक हो आप लोगों को। खैर मुबारक है। एग्जैक्ट डेट क्या रखी आप लोगों ने? एग्जैक्ट डेट है, तो जी हम आ चुके थे डक्की भाई के घर और मिले हैं डक्की भाई की वाइफ मतलब अरूप से। लोग हमारी वीडियोस का बड़ा वेट कर रहे हैं, तुम्हें पता कह रहे हैं वो कौन सी येलो ड्रेस की वीडियो थी जो आपने तक पोस्ट नहीं की? नहीं लेट बी अ सीक्रेट, ऑल टाइम वीडियो, इट कैन बी अ सीक्रेट, थोड़ा इंतजार करो मैं एडिट कर रही हूं गाइस।
ये हमारे शगुन का वो थाल है जो मेरी सारी बहनों ने खाया। मैंने कहा मेरी ये बहन भी खा ले अब खाने लगी है। हम शगुन का यू लव फिर मी तो मुझे पता तुमने मुझे वापस भेजा। हाँ, तो मैं कहता शाबाश वापस। डोरा की लग रही है, डोरेमोन की, डोरा केक्स। अच्छा हाँ, ये वैसे बाय द वे अरीब लेकर आए और ये हमारे लिए भी सरप्राइज सा रहा। मुझे देख के इतनी प्यारी मिठाई भी फ्रेश। दोनों कंपटीशन लगाओ भाई। अल्लाह उधर तो देखो जरा, ज्यादा वाली रखी है, ज्यादा वाली रखी। बड़ी चलाक, वेरी वेरी यू वेरी चलाक ब्रो। ये बड़ी मजे की है। अब निकाह की तैयारी कर लो तुम अभी से ही। आपने ठीक है तो निकाह मेरे निकाह की। सो गाइस, हम लोगों को काफी देर होगी यहाँ पे बैठे हुए और इस वक्त जो है ना वो 4:30 हो गए बैठे बैठे। और वो लड़की है पाँच बज गया तो मतलब नाश्ते का टाइम है यार। हम लोगों ने कहा था कि हमने वैसे यार थोड़ी सी बिरयानी शिरयानी बड़ी मजे की थी। अरीब साहब ने भी खा ली, चले हम नाश्ता करते खाते हैं, निकलते हैं। हाँ, नींद पूरी करके सारे जो है ना इस वक्त सुबह हो चुकी है गाइस और हम लोग नाश्ता करने आए। ओए हमारा गर्मा गर्म लाहौरी नाश्ता आया। पूरी का पेट ऐसे फुला हुआ है कि जैसे पता नहीं। अरीब को आपके हाथ पे भाप लग गई ना तो फिर कुछ नहीं होता। चलो ट्राई करो फिर। मैं अभी ठुंगा मारू इसको, टुच इसको भी देखना मैं ठुंगा मारती हूँ। इन लोगों ने मगज खा लिए, हम दोनों देसी वाले हैं। तो मैं करने लगी हूँ भाई नाश्ता। हलवा भी बड़ा मजे का लग रहा है। ना नाश्ता वाश्ता करके हम लोग आ गए थे। धूप ने ऐसी कोई आंखें मारी है ना मुझे भाई साहब। उसने कहा रोड पे खड़े होके किसने कहा आपको एक्स्ट्रा करो। तो बस धूप छूप एंजॉय करके नाश्ता वाश्ता कर लिया। अब इनको टाई टाई बाय बाय कहने का, ये एक टाई टाई है ये एक बाय बाय है। वक्त हुआ जाता है। आपकी आंखों में फुल नीनू भरी हुई है। नीनू पार्टी बाय। ओके साथ बाय। कपड़े शपड़े बनवा ले। मैंने काली जूती में एंटर नहीं होने देना आपको। मैंने वहाँ लिख देना अगर डक्की भाई ने काली जूती पहनी हुई तो फिर भी आने दे। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुँच गए थे और घर तो हम 10 मिनट में पहुँच गए हैं। ठीक है, बाहर हमारे मालिक साली वो काम कर रहे हैं और ये हमारे जो ये लड़के साहिब हैं ये नींद से पागल हुए हैं। शुक्र करें मुझे सही ड्राइविंग करके घर छोड़ दें। मैं अपने घर पे पहुँच गई हूँ। ठीक है जी, तो आपसे मुलाकात होगी मेरी अगले सॉरी कल। खाने भी नहीं जाना? ओ यस, वो अरीब ने कल हमारी फैमिली को लेकर जाना कहीं पर, तो वो कहाँ लेके जाएंगे आप उनके व्लॉग देख के पता चलेगा। खैर अभी फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, मैं भी जा रही हूँ घर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे स्पेशली अपनी दुआ में बाय बाय टेक केयर साथ करें। 1 2 3 बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़।